चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू से कांग्रेसी विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो लोगों में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बेटे के लिए नौकरी मांगने गए बेगू निवासी लोभीराम गुर्जर की पगड़ी को लात मारी गई और उनके साथ गाली गलौज किया गया। पीड़ित पहुंचा फौजी नरेश और पुत्र के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलने। बेगू विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी का विवादों से पुराना नाता रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किस तरह की घटना हुई थी आपके साथ? हमारे मतलब घटना बहुत बुरी हुई है। क्या हुआ था? रुपया भी गया, लुगई भी गई, रुकमा भी गई, सब भराई गया, ठीक है, और कागड़ी भी ले गया। आप विधायक जी के पास पहुंचे थे, क्या हुआ था? बाद में उदय के पास गया तो मैं अभी मर सो दान की लग जाए आराम केटरी महीने तो मारा दो भीसा आए करे तो मैं खबा को दान हो जाए मां क्यों कम नियम नहीं उठी जाए फागड़ी की लाद की दीजिए कि उतनी सिर जल्दी पड़ी होगी हटाया ऐसा कुत्ता यहाँ से आया क्यों क्यों सब रहने वाले हो आप? गंजली रहने वाले। मेरा नाम नरेश फौजी, मैं बेगू का रहने वाला हूँ। किस तरह की घटना सामने आई थी? ये घटना साहब 2 साल पुरानी घटना है। होटल के माध्यम से ये वीडियो हमारे को कल रात को 2 बजे हमारे सामने आया। ये बुजुर्ग आदमी होटल में माननीय विधायक साहब से मिलने गया था। कौन? राजेंद्र सिंह विधूड़ी बेगू का। तो उनसे मिलने गया था कि मेरे परिवार के साथ 5 लाख रुपए गए, मेरे बेटे की लुगाई गई, पैसे गए, तो मेरे गरीब बेटे को आप नितिन फैक्ट्री में लगा दो। माननीय विधायक साहब की बिना मर्जी और बिना इशारे के नितिन फैक्ट्री में कोई हवा नहीं चलती है, तो उनके इशारे पे गए तो मेरे बेटे को नितिन लगा। तो बुजुर्ग आदमी ने उनके हाथ जोड़े, पांव पकड़े और मेवाड़ की मान सम्मान पगड़ी उनके पांव में रखी, तो माननीय विधायक साहब ने पगड़ी के लात मारी, पूरी होटल में घूम रही। वीडियो के माध्यम में आप सब लोगों के सामने वो वीडियो आपके सामने आया। तो हम ये चाहते हैं कि मेवाड़ की पगड़ी इतनी कमजोर नहीं है जो कोई दिल्ली का बाहर का आके हमारी पगड़ी पे लात मारेगा। हम उसको जवाब मांगेंगे और मेवाड़ का मान सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। अगर उस पगड़ी का उसने जवाब नहीं दिया तो अब इस मेवाड़ की धरती में घुस के दिखाए। हम लोग सब इस बुजुर्ग आदमी के साथ है और कभी इस अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये धरती, ये राणा की धरती, ये धरती मेवाड़ की है। ये अपमान इस बुजुर्ग आदमी का नहीं, ये अपमान पूरे मेवाड़ का है, 36 कौम का अपमान है। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राजेंद्र सिंह विधूड़ी को तो दूर की बात, इस मेवाड़ के किसी कोने में घुस के दिखा दे। इतने दिन तो पुलिस के दबाव में लोगों को धमकी देके लोगों को घरों में छुपा देता था, लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है, इसीलिए बुजुर्ग आदमी आजाद हो चुका है। अब ये बेझिझक होकर आपके सामने अपनी आवाज रख रहा है। हम अभी किसी के सामने डरने वाले नहीं है। इस आवाज को हम SP साहब के सामने लाया कि हमको न्याय दे, इस बुजुर्ग का अपमान किया उसका मान सम्मान किया जाए और वो पगड़ी माने राजेंद्र सिंह विधूड़ के हाथ से वापिस ये पगड़ी इसके सिर पर रखी जाए। हम वापिस उसको भी माफ नहीं करेंगे। सब लोगों को पता है कि उसकी दबंगई, उसकी गुंडागर्दी आप सब लोगों के सामने बार बार आती रहती। मैंने भी किसी गरीब आदमी की आवाज उठाई तो मेरे खिलाफ उसने 3 शिकायत SP को की थी अगले साल। तो उसकी गुंडागर्दी के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। सुर्खियों में रहता है, गुंडागर्दी करता है, लोगों को दबाता है और पुलिस के दुरुपयोग से लोगों के ऊपर दबाव डाल के गरीब किसान को दबाने की बात करता है कि अभी इसी वक्त आचार संहिता लग चुकी है, अब लोग डरने वाले नहीं है, अब लोग ईंट का जवाब पत्थर से उसको देगा और 10 बार उस विधूड़ी को जवाब देना पड़ेगा। क्या नाम है? केश कुमार। क्या घटना हुई आपके पापा के साथ? पापा खेत पे थे तो उन्होंने दो लोग आए थे, पापा कहाँ थे, मैंने बोला कि खेत पे, जो वो बोल रहे कि हम पैसे दे देते हैं, पापा को हमारी गाड़ी में बिठा लो। तो इन्होंने भाई साहब आ गए थे नरेश जी, तो इनको वापस इनकी गाड़ी में बैठ के हम पापा हम साथ में आकर यहाँ आ गए दारी, और वो वापस वहाँ से चले गए। उन्होंने बोला कि 7 लाख रुपये दे देता हूँ, हमारी तरफ बयान बदल जाए, ऐसे बोल रहे, डरेंगे नहीं, हमारा ये काम करो, पगड़ी का काम।